सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक का वॉलेट ब्लॉक हो गया है तब उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। सो देखिए गाइज, जब आपका वॉलेट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है तो आपको इस तरह से शो होता है। तो अब गाइज मैं आपको बताऊँगा कि अपने इस वॉलेट को अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो वॉलेट ब्लॉक हुआ है उसको अनब्लॉक करने के लिए फ्रेंड आप जो है एयरटेल एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करेंगे। तो फ्रेंड आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सो अब देखिएगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से इस एप्लीकेशन का जो होम इंटरफेस होगा आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ से देखिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट ब्लॉकेड, यहाँ पे देखिए मनी का एक आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेरे वॉलेट में यहाँ पे 6 रुपये है और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है वॉलेट ब्लॉकेड, यानी फिर ये जो वॉलेट है ब्लॉक हो चुका है। तो आप इस वॉलेट की हेल्प से अपना फ़ोन वगैरह नहीं रिचार्ज कर सकते हैं या फिर आप ना ही किसी को पैसा वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो अब गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है इस वॉलेट को अनब्लॉक करने के लिए। तो देखिए गाइस, आपको यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अनब्लॉक का, तो आप यहाँ अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे। सो अब गाइस, जैसे ही आप अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपके सामने आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि आपका वॉलेट जो है ब्लॉक क्यों हुआ है, क्योंकि फ्रेंड वजह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर वॉलेट हैज़ बिकम डोरमेंट सिंस यू हैव नॉट ट्रांजेक्शन इन लास्ट 1 ईयर। तो यहाँ पे गैज ब्लॉक होने का जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है फ्रेंड कि हमने जो है अपने 1 साल के अंदर अपने इस वॉलेट से जो है कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, जिसकी वजह से इस वॉलेट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब गैज यहाँ पर आपको अपने इस वॉलेट को दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए या फिर यूँ कहें कि अनब्लॉक करने के लिए आप यहाँ गेट ए डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सो अब गाइस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई ओपन एन अकाउंट विद अस, ये कह रहा है कि आपको हमारे साथ क्यों एक अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लेते हैं एज ए डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनुम, यानी वार्षिक जो है आपको 6% का ब्याज मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा गाइज, और यहाँ पे आपको जो है फ्लेक्सी अकाउंट लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब गाइज आपको जो है अपने इस अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से गाइज आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप करना होगा, उसके बाद आप यहाँ से अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, OTP आप यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे रीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो वॉलेट होगा वो ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएगा। सो गाइस, इस तरह से आप बहुत इजीली अपने वॉलेट को अनब्लॉक कर सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।